volume distribution of charge. वॉल्यूम डेंसिटी होगी, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज. और डेंसिटी को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? तो कोई भी शेप है, एनी शेप, ठीक है. सॉलिड है, कैसी है ये? सॉलिड बॉडी, थ्री डायमेंशनल बॉडी, ठीक है. अगर इसमें कुछ चार्ज थ्रू आउट अंदर क्रिएट कर दिया जाए, ठीक है, कि सम चार्ज इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट दिस बॉडी, तो ऐसा करने के लिए जरूरी क्या है? बॉडी कैसी होनी चाहिए? नॉन कंडक्टिव. नॉन कंडक्टिंग होनी चाहिए. कंडक्टिंग होगी तो चार्ज कूद के बाहर आ जाएगा सरफेस. नहीं नहीं, आप क्रिएट करोगे अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, कुछ तो करोगे ऐसा, या हीट कर दोगे उसको, उसमें रेडिएशन डाल दोगे, कुछ ऐसा कर दोगे कि सब सारे मॉलिक्यूल आयनाइज हो गए, ठीक है. अब चार्ज अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया. अगर ये कंडक्टिंग बॉडी होगी तो वो सारा एक्स्ट्रा चार्ज सरफेस पे भागी जाएगा बाहर, ठीक है. अभी वो अंदर फ्री तो हुआ है मगर अंदर लोकलाइज, ठीक है. और वो चार्ज स्टेट में क्यों है? क्योंकि एक्साइटेड स्टेट, ठीक है. जब वो नॉर्मल स्टेज में आएगा वापस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है. When charge is uniformly spread throughout the body, inside the body, throughout the body, ठीक है, वो non-conducting body में ही possible होगा. ये ध्यान रखना. Charge is uniformly spread throughout this body, and this charge is say Q. Q charge फैला हुआ इसमें, और इस पूरी पूरी body का volume है capital V. So if Q charge is distributed over the entire volume of this body, then volume charge density is given by rho is equal to Q upon, rho is equal to Q upon V. So what is the unit of this density? Coulomb per meter cube. This is Coulomb per meter cube. And how do we give the dimensions? Yes, meter cube. And how do we give the dimensions? Just ATL minus 3. Dimensions को जब पढ़ना होता है तो हम पढ़ते हैं 1 in ampere, 1 in time and minus 3 in length. सर जो density में से mass density volume, वो mass density है बेटा. ये चार्ज डेंसिटी है. हाँ, ठीक है. जिस टाइप की डेंसिटी उस टाइप का उसके साथ रिलेशन, ठीक है. नॉर्मली जो हमने अब तक डेंसिटी पढ़ी है जिसके साथ किया है वो मास डेंसिटी है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम. दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है. नहीं, अप्रोच वही है, ठीक है, सिर्फ क्वांटिटीज डिफरेंट है. यहाँ फाइंड दी charge density when 88 millicoulomb of charge is spread uniformly in a cylinder of radius 10 centimeters and height 10 centimeters. Volume 4 by 3 pi r. Cylinder bhai, area of base into height, pi r square h. नहीं, हो जाएगा. अगर होता सा लग रहा है तो कर दो. 28 कूलम पर मीटर क्यूब. अब ऐसी जरूरत हो सकती है कि हमें इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो कहीं पर, ठीक है. तो हम क्या करते हैं उसमें? वी कंसीडर इन एलिमेंटल पोर्शन ऑफ दिस वॉल्यूम. तो क्या करेंगे? छोटा सा एक वॉल्यूम ले लेंगे हम यहाँ पे, एंड वी कॉल इट डीवी, ठीक है.
we consider an elemental volume in this bulk and we call it dV. ठीक है, and we also assume that this has a small quantity of charge dQ. The volume density in this volume is rho. So how do we get this rho? Rho is equal to dQ by dV, charge per unit volume. So we can write dQ, the small amount of charge is given by density into volume. Density into volume gives me the small amount of charge. चार्ज आप बताओ, मैं अगर इसको बड़ा कर दूंगा तो चार्ज बदलेगा या वैसे ही रहेगा? तो जो बदलता है वो एक्सटेंसिव, तो जो बदलेगा तो अपने भी तो क्यों ही रहेगा? किसमें? आप इसको बढ़ाओ ना, चेंज करो, वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो बढ़ेगा ना वो. ठीक है, दूसरा एग्जांपल देता हूँ. इस बॉडी का चार्ज मान लो, इसका टेम्परेचर टी है. अब मैं इतना लूं चाहे उतना लूं, टेम्परेचर तो टी है, वो तो चेंज नहीं हो रहा, इसलिए वो इंटेंसिव है. डेंसिटी छोटा लूं बड़ा लूं, वो तो डेंसिटी तो चेंज नहीं होगी, वो इंटेंसिव. चार्ज चेंज होगा, थोड़े में थोड़ा चार्ज, बड़े में ज्यादा चार्ज. ठीक है, तो ऐसे चेक करो ना. अब इस छोटे से चार्ज की वजह से मुझे किसी एक लोकेशन पे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना. ठीक है, आई वॉन्ट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P which is at a distance of r from this location. तो इस छोटे से चार्ज के से मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, एंड what do I name it? dE. dE is given by, गिरिशा बता बेटा, dE को क्या लिखूं? वन अपॉन, हाँ, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, वेरी गुड, इनटू आर कैप, बहुत जरूरी. ठीक है, तो ये क्या करा हमने, एक एलिमेंटल चार्ज की वजह से हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, एंड दिस एलिमेंटल चार्ज वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, रो डीवी से अपॉन आर स्क्वायर आर के. ठीक है, चार्ज को इससे रिप्लेस कर देते हैं. अब मुझे इस पूरे वॉल्यूम से अगर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, तो मुझे पूरे वॉल्यूम पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, हर एक का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के फिर कंपोनेंट्स में ऐड करने पड़ेंगे. फिर पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट. अब यहाँ पे मैं वी लिखूंगा, वी फॉर वॉल्यूम. ठीक है, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा. दिस इज रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर आर कैप. रो भी कॉन्स्टेंट है तो रो को आप बाहर लिख सकते. ठीक है, सो दैट गिव्स यू द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. ठीक है, ये फॉर्मुलेशन है. क्या है ये? दिस इज कॉल्ड फॉर्मुलेशन. ठीक है, यहाँ से आगे हम नहीं जा सकते, हमें नहीं पता बॉडी कैसी. बॉडी स्फीयर तो स्फीयर का बिहेवियर लेंगे, सिलेंडर है तो सिलेंडर का बिहेवियर लेंगे. ठीक है, जैसी बॉडी वैसा उसका ट्रीटमेंट. यस, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट फॉर फ्री स्पेस इज 8.854 इनटू 10 टू द पावर माइनस 12. एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट की, this is epsilon naught is equal to 8.854 10 to the power minus 12 coulomb square per meter square per newton. कहाँ से आई? मीडियम से आई. हाँ, मीडियम से आई. ठीक है, मीडियम से आई. के कौन सी? ये हाँ, इसको हम के लिख लेते हैं. हाँ, इसको यहाँ पुट करेंगे, फोर पाई कांस्टेंट है तो टोटल वैल्यू 9 × 10⁻⁹ आता है. ठीक है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट
इसकी वैल्यू यूज करोगे आप 9 × 10⁻¹. खाली एप्सिलॉन नॉट की कहीं जरूरत पड़ेगी तो आप 8.854 × 10⁻¹² ये यूज करोगे. ये सब ऐसा यूनिट में, ठीक है. इसके यूनिट क्या बताए थे? वेरी गुड, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. इसे क्या बताए थे? कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर मीटर. थोड़ी सी बातें पूछनी जल्दी जल्दी. हाँ, ये जरूरी है. एनी से शुरू करते हैं आज. एनी, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? -1.6 × 10⁻¹⁹. शाबाश, आता तो है, डरती क्यों? इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? मैं बताऊं? 9.1 × 10⁻³¹. यस, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? अब बोल ले. 1.6 × 10⁻¹⁹. हमने प्रोटॉन का चार्ज पूछा, मास पूछा. चार्ज पूछा कूलम. यस, चार्ज इज इन कूलम. प्रोटॉन का मास 1.67. अब 7 चाहिए. हाँ बोलो बेटा. 1.67 × 10⁻²⁷. यस, वेरी गुड, मजा आ गया. व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? हाँ, यस यस, बहुत क्लोज है. क्या बोला था? हाँ, यानी अल्फा पार्टिकल के लिए क्या बताया था, कैसे याद रखना है? एक सेकंड यार. तो बिटिया ने तो बिल्कुल सही बोला है. न्यूक्लियस ऑफ हीलियम. तो इसी के लिए मैंने क्या बोला था, लुटा हुआ हीलियम. अरे तो क्यों नहीं याद होता है? उसके दोनों इलेक्ट्रॉन को खोज के ले गया, क्या बच्चा उसके पास? मैंने वही तो बोला है, हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन ले गए. ठीक है, तो याद रखने का तरीका है ना, लुटा हुआ हीलियम. इलेक्ट्रॉन को ले गया लुट के, उसको क्या बचा? न्यूक्लियस, वो अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है? अल्फा पार्टिकल का मास क्या बताया था? अब देखो, अल्फा पार्टिकल उसके हीलियम के न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें होती हैं? चार्ज. अच्छा, हीलियम के न्यूक्लियस में क्या क्या होता है ये बता दो, अपने आप पता चल जाएगा. हीलियम के न्यूक्लियस में क्या क्या होता है ये पूछ रहा हूँ. कितने प्रोटोन और क्या होता है? इलेक्ट्रॉन. न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन. मजाक, हीलियम के साथ मजाक. हाँ, दो न्यूट्रॉन होते हैं. ये सारी जो बातें पूछी है मैंने, सारी इम्पोर्टेंट. तो मास कितना हुआ? दो न्यूट्रॉन, दो प्रोटॉन, तो मास कितना हुआ? तो चार हो गया ना. फोर एटॉमिक मास यूनिट. फोर एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है. और चार्ज कितना होगा? 2e. चार्ज कितना होगा? 2e कितना होता है? 2 × 1.6 कितना होता है? 3.2. हाँ, तो ऐसे बोलो ना, 3.2 × 10⁻¹⁹. क्या ये साथ बोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग ऑफ चार्ज ऑन इट्स एक्सिस. अभी रिंग ऑफ चार्ज बोल रहा हूँ. तो रिंग का क्या मतलब है? स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजॉइड, ट्रेपीजियम. रिंग का क्या मतलब है? सिलेंडर, सर्कल. ये हमने मान लिया सर्कल, ठीक है. ऐसा रखा होगा, साइड से देख रहे हैं तो ऐसा ओवल सा दिख रहा है, ठीक है. एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ दिस रिंग. इसका रेडियस मान लेते हैं हम ए है. और यहां से एक्स दूरी पर कोई पॉइंट है पी, जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाह रहे हैं कि कितना होगा. इसकी वजह से हमने इस पूरे रिंग को चार्ज सप्लाई कर दिया क्यू. क्यू की वैल्यू बताएगी, पता ही नहीं मुझे तो क्यों मान लेता. क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव दी होगी तो पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव दी होगी तो नेगेटिव चार्ज, ठीक है. बिहेवियर वगैरह सब कुछ उस हिसाब से चेंज हो जाएगा, ठीक है बेटा, ठीक है. अब तो पहला क्वेश्चन नेचुरल बनता है,
व्हाट इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑन दिस रिंग? लैम्डा क्या मिलेगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑन दिस रिंग, चार्ज ऑफ क्यू इज सप्लाइड टू दिस रिंग. हाँ बेटा, क्यू बाय एल. इसमें लेकिन लीनियर होगा तो क्यू बाय आर हो जाएगा. 2 पाई आर, आर की जगह क्या है? बाय ए. 2 पाई ए, शाबाश. कूलम पर मीटर. फिर अब हमें इस रिंग की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है? तो किसी भी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो हम कैसे शुरू करते हैं? हम क्या चीज सबसे पहले लेते हैं? हम एक एलिमेंट लेते हैं. क्या लेते हैं? वी टेक ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द रिंग, ठीक है? मान लो ये एलिमेंट हमने यहां से ले लिया, ये एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ है डीएस. तो अब छोटा सा एलिमेंट लिया है तो चार्ज भी थोड़ा सा होगा इस पे. छोटा सा कितना होगा? सो लेट द चार्ज ऑन द एलिमेंट बी डी क्यू, एंड देन दिस डी क्यू विल बी गिवन बाय लैम्डा टाइम्स डीएल कूलम. ठीक है, तब थोड़ा सा चार्ज यहाँ पे डी क्यू पॉइंट हमारा है यहाँ पे. तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलेगा? हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे. द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू दिस एलिमेंट टी एल इज गिवन बाय डी ई, ठीक है, एज शोन इन फिगर. ऐसे लिख लो आप इसको. ये मान लेते हम थीटा, तो इसको क्या करना पड़ेगा? रिजोल्व. रेजोल्यूशन क्या होता है? ब्रेकिंग ए वेक्टर इनटू टू पार्ट्स. कैसे पार्ट्स? परपेंडिकुलर पार्ट्स, ठीक है? उनको हम और क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है? और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं हो तिरछे हो तो ऑर्थोगोनल पार्ट्स, रेक्टेंगुलर पार्ट्स. ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं, ऑर्थोगोनल, ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं, आपको पता होना चाहिए. इन सब का मतलब परपेंडिकुलर से ही है. जब ऐसे होते हैं तो हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी बोल देते हैं. So we have a component in this direction and we have a component in this direction. So ये angle theta है तो इसका vertical opposite angle ये theta होगा. और theta के साथ से theta की तरफ कौन सा component आता है? Cos theta. So this is DE cos theta component. ये कौन सा होगा? DE sin theta. अब ये object कैसे है? ये ऑब्जेक्ट कैसे? रिंग. कैसा ऑब्जेक्ट है? रिंग, ठीक है? और पूरे रिंग पे क्या है? चार्ज, ठीक है? तो मैं इसकी सिमेट्री का फायदा उठाता हूँ. क्या कर रहा हूँ मैं? सिमेट्री का फायदा उठाता हूँ. और वो कैसे उठा रहा हूँ? जैसा एलिमेंट मैंने ऊपर लिया था वैसा ही एक एलिमेंट जस्ट नीचे अपोजिट ले लेता हूँ. यू टेक ए स्मॉल एलिमेंट जस्ट अपोजिट टू दिस, सेम एंगल पर ही आएगा, सब कुछ सिमेट्रिक, ठीक है? इसके जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट लेना, ठीक है? तो इसका डिस्टेंस P पॉइंट से उतना ही होगा जितना इसका यहां से. इसकी लेंथ DL है, इसकी भी DL है, तो इस पे भी चार्ज DQ ही होगा जितना यहां पे DQ था, है ना? तो अब इसकी वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो कैसा मिलेगा? ये भी DE ही होगा, ठीक है? सिमेट्री से ये एंगल भी थीटा ही आएगा, तो ये भी थीटा होगा. जब इसको हम रिजोल्व करेंगे तो व्हाट विल गेट? हमें एक कंपोनेंट ये वाला मिलेगा, एक कंपोनेंट ये वाला मिलेगा. ये हो गया DE cos theta और ये हो गया DE sin theta. अब ये DE sin theta, ये DE sin theta कैसे दिख रहे हैं हमें? इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट. और ये क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, ठीक है? तो ये बात तो इस पूरे रिंग के ऊपर जो डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स हैं उन सबके लिए ट्रू होगी, ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं कि जितना भी वर्टिकल कंपोनेंट है वो सारा एक दूसरे को कैंसिल ही कर रहा होगा. तो नेट रिजल्टेंट ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट of all electric fields due to all elemental parts of this ring at point P will be zero.
ये बात समझ में अभी, ये वाली बात आप अपनी भाषा में लिख लें, नहीं समझ में आया दोबारा समझा दूंगा। सर पॉइंट पी के लिए अभी उस एक्सेस को कोई पॉइंट नहीं, सबके लिए चीजें बताओ। ये एक्स दूरी पे लिए ना हमने इसको, यहाँ पे हाँ सभी जगह जीरो सिमेट्री की वजह से। हाँ तो अभी हमने किसकी बात की है, वर्टिकल कंपोनेंट की बात की। दी वर्टिकल कंपोनेंट फॉर ऑल पेयर्स ऑफ अपोजिट एलिमेंट्स ऑन देयर रिंग बीइंग इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल ईच अदर, देयरफॉर ऑल कंपोनेंट्स इन दी वर्टिकल प्लेन, ऑल कंपोनेंट्स इन दी वर्टिकल प्लेन कैंसिल्स ईच अदर। और यहीं पे ब्रैकेट में लिख लो, इसको और कैसे लिख सकते हैं, एड अप टू जीरो। चलें आगे, तो क्या बचा, ओनली कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस, ठीक है, विल एड अप टू गिव द रिजल्टेंट। लिखो, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, therefore we can write dEx, क्या लिखा dEx, x क्यों लिख रहा हूँ, x एक्सिस के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए इज इक्वल टू dE, dE क्या है बेटा, चार्ज कितना था यहाँ पे dQ अपॉन यहाँ से यहाँ की दूरी मान लो dA, d स्क्वायर इनटू cos थीटा, क्या दिख रहा है यहाँ पे, झूठ नहीं, एक्स बाई डी रेशो है, ठीक है, एक्स बाय डी, ये भी और एक्स बाय डी, ठीक है। सो दिस बिकम्स वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स बाय डी क्यू, और डी क्यू क्या है, लैम्डा इनटू डी। नहीं करेगा, समझाऊ अभी समझाऊ, आपने कॉनिक सेक्शन पढ़ा है इलेवेंथ में, उसमें एक लाइन होती है जो जनरेटर होती है, कौन की जनरेटर, अच्छा हाँ, वैसे तो ड्रॉ कर देते हैं उसे, उस लाइन के इधर एक हम लाइन फिक्स करते हैं, थीटा फिक्स करते हैं, उसको घुमा देते हैं, तो पीछे तो बेस बनाता है ना सर्कल, वही सिचुएशन है। तो एलिमेंट कहीं भी हो थीटा वही रहने वाला, एलिमेंट कहीं भी हो थीटा वही रहने वाला, ठीक है। हाँ तो थीटा इज कांस्टेंट, देयरफॉर थीटा इज कांस्टेंट, ठीक है। डी यहाँ पे स्लांट हाइट का काम कर रहा है, डी यहाँ पे स्लांट हाइट का काम कर रहा है, तो किसमें जब जरूरत पड़ेगी सेट भी निकालेंगे सर, कॉलेज के लिए छोड़ दो कुछ, निकालेंगे आगे जाके। अरे एक्स वाई डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन स्पेस इंटीग्रेशन सब आता है, हाँ फिर वेक्टर इंटीग्रेशन भी आता है, कर्ल डाइवर्जेंस पता नहीं क्या क्या करोगे, हाँ एवरीथिंग इज, ठीक है जी, रॉकेट ऐसे नहीं चले जाते हवा में, ठीक है, बहुत कुछ होता है उसमें, हाँ ठीक है। जितनी जरूरत है उतना हम इसको डील करेंगे, ठीक है। हमने वहां पे अभी आपने देखा होगा आर कैप लिख के छोड़ दिया, जब आर कैप को रिजोल्व करोगे तो आई कंपोनेंट जे कंपोनेंट आएगा, स्पेस में जाओगे तो के कंपोनेंट भी आए, ठीक है। हाँ नेचुरल है, सब जगह देखना पड़ेगा ना, ओके। अभी यहाँ पे देखो ध्यान से, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज, जब हम रिंग पे चल रहे हैं एक्स इतना ही रहने वाला है, लैम्डा पूरी रिंग के लिए लैम्डा कांस्टेंट है, सेम है, कितना ही रहने वाला है, डी स्लांट हाइट कोन की सेम रहने वाली, ये भी चेंज होने वाली नहीं है, तो वेरिएबल पार्ट कौन सा है, डीएल। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो डीएल की वैल्यू इंक्रीज होगी, देयरफॉर फॉर टोटल ईएक्स इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ डीएल। अब रिंग के सारे डीएल 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 इकट्ठे कर लेंगे सारे, तो क्या बन जाएगा, पूरी रिंग बन जाएगी, ठीक है। और पूरी रिंग कितनी बड़ी रिंग है, 2πa, तो इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, 2πa, ठीक है। हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं, l लिखिए ना, l मीन्स लाइन इंटीग्रल, पूरी लाइन इंटीग्रल, पूरा रिंग कवर करना है, हैं अगर हम
यहाँ पे लोअर लिमिट अपर लिमिट वाला केस नहीं है, एल मीन्स ओवर एंटायर लेंथ, ठीक है, एल मीन्स ओवर एंटायर लेंथ, यहाँ पे एस लिख देंगे तो ओवर एंटायर सरफेस, ठीक है, ये सीखना है अभी आपको थोड़ा सा, सेम एप्लीकेशन है मगर लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। अब टू पाई ए इंटू लैम्डा क्या था, टोटल चार्ज, दिस इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन डी क्यूब, ठीक है, और डी क्यूब कितना होता है, डी क्यूब इज हाउ मच, डी क्यूब कितना होगा, हाँ लगी, ठीक तो बोल रही थी बेटा, ठीक तो बोल रही थी, तो दिस डी बिकम्स क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। फील्ड एट द सेंटर ऑफ द पी पॉइंट को सरकाते सरकाते यहाँ ले आए तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, जीरो, क्योंकि एक्स जीरो हो गया, एक्स जीरो हो गया, एक्स जीरो पुट करेंगे तो सारा जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग इज ऑल जीरो, देयरफॉर ई एक्स, आपने क्यों क्यों लिखा है ऊपर वो बाकी की वैल्यू हमने क्यों डाली, टू पाई ए इंटू लैम्डा इज क्यू एट ए फार ऑफ पॉइंट, से क्या मतलब हो गया, एक्स इज वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू ए, तो हम बहुत दूर चले जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ए को निगलेक्ट कर देंगे, हैं ए की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी ना, ए को निगलेक्ट कर देंगे, ए को निगलेक्ट कर देंगे, एक्स क्यूब आ जाएगा वो कट जाएगा ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू बहुत बड़ी है तो बेचारा डिनोमिनेटर में बड़ा होता जा रहा है, बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा, जीरो, बस बहुत दूर चले जाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, हाँ एट फार ऑफ पॉइंट, ठीक है, इसमें क्या है कि x बड़ा x का स्क्वायर और भी बड़ा है तो डिनोमिनेटर बड़ा है तो टोटल जीरो आ जाएगा, एग्जैक्टली q अपॉन x स्क्वायर बच्चों विच विल बिकम जीरो, एक ऊपर से x से नीचे x कट गया, ठीक है, मैंने पहले ही काट दिया, अब धर्म संकट आ गया, सेंटर पे भी जीरो, इंफिनिटी पे भी जीरो, बीच में तो जीरो है नहीं, बीच में तो जीरो है नहीं, हमने निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बताओ सबसे ज्यादा कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा कहाँ होगा, मैक्सिमम मिनिमम निकालना सिखाया था ना, अच्छा उसको इंटीग्रेटर में मैक्सिमम डाल दिया, मैक्सिमम मिनिमम निकालना सिखाया था ना आपको, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहे, एक्स पे डिपेंड कर रहे, लगाओ कोई बात नहीं, हम भी तो बड़े हो रहे हैं, हम कब बड़े होंगे, है बेटा तुम, मेरे बच्चे कब बड़े होगे, इसीलिए तो सीखना है, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे दुनिया ज्यादा दिखेगी तो हमें भी तो बढ़ना है, तो ये चीज कॉन्सेप्ट है सीखना है, ठीक है, फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगा, कहीं तो होगा जहां पे ये कंपोनेंट इस प्रकार से बैलेंस होंगे कि ये चीज मैक्सिमम होगी, फिर दूरी बढ़ने की वजह से फिर कम होनी शुरू होगी, ठीक है, भाई पास यहाँ पे तो आपस में कैंसिल हो रहा था सारा, इसलिए जीरो था, जैसे जैसे आगे चलने लगे तो कुछ कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आने लगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयर हुआ, थोड़ा और आगे आ गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रांग होने लग गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बढ़ने लग गया, एक जगह मैक्सिमम होगा फिर डिस्टेंस और बढ़ा, अब दूर होने की वजह से फिर कमजोर होने लग गया, तो एक जगह मैक्सिमम जाके फिर ये कम होना शुरू होता है और फिर धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है, तो वो कौन सी लोकेशन है जहां पे ये मैक्सिमम होगा, ठीक है, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू डिफरेंशिएट, ठीक है, देयरफॉर ये फाइंड करने के लिए
dEx अपॉन dx शुड बी दिस, ये जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम उस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जा रहे, मैक्सिमम हो या मिनिमम हो वो एक्सट्रीम कहाँ पर आ रहा है हमें वो चेक करना, ठीक है, क्योंकि कोई भी ग्राफ जब मैक्सिमम पे जाएगा, ऐसे सोचो ना, कोई भी ग्राफ जब मैक्सिमम पे पहुंचेगा हम उसको मैक्सिमम तो तभी कहेंगे जब आगे जाके वो वापस आ रहा हो, नहीं तो वो और ऊपर चला जाएगा। एक्सट्रीम मैक्सिमम पॉइंट पे जाके वो वापस आ रहा होगा तो वो मैक्सिमम उसी को बोलेंगे, और वहां पे उसका स्लोप क्या होता है, जीरो। किसी भी मिनिमम पॉइंट पे नीचे जा रहा होगा और उस पॉइंट को मिनिमम तभी कहेंगे उससे आगे जाके ऊपर आना शुरू हो गया, तो वहां पे भी उसका स्लोप जीरो होगा। तो हम किसी भी ग्राफ के अंदर, ठीक है, अगर हमें मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना है तो हमें उसके स्लोप को ढूंढना होता है कहाँ पे जीरो है, और स्लोप के जीरो होने की वजह से हमें वो पॉइंट्स मिल जाते हैं जहां पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगा, ठीक है। सो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम कुछ भी पूछा जाए तो आपको क्या करना है कि वो क्वांटिटी किस वेरिएबल पर डिपेंड कर रही है, उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करके उसको जीरो करना, हम इसका स्लोप जीरो कहां पर होगा ये ढूंढना चाह रहे हैं। वो एक्स की वैल्यू क्या होगी जहां पे ये सब होगा, ठीक है, हाँ, तो एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, भाई कितनी दूरी पर होगा, ए के बराबर पे होगा, ए के डबल पे होगा, ए के आधे पे होगा, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी को हम नहीं छेड़ते, डीई एक्स अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट क्या है, क्यू कॉन्स्टेंट है, वन अपॉन फोर पे एक्स नॉट कॉन्स्टेंट है, इसको साइड में रख देते, और इसके ऊपर एक्स अपॉन दिस, इस पर हम कोशेंट रूल लगा देंगे, क्या लगेगा यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन में, कोशेंट रूल लगेगा, जिस पर कोशेंट रूल लगाएंगे तो कैसे लगेगा, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर पावर थ्री बाई टू इसका होल स्क्वेयर, डिनोमिनेटर का स्क्वेयर करते हैं, है ना, फिर डिनोमिनेटर से शुरू करेंगे, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर पावर थ्री बाई टू, न्यूमिनेटर क्या है, एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या है, वन, एक्स का डेरिवेटिव हो गया यहाँ पे वन, फिर माइनस एक्स इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, ठीक है, डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव में पावर क्या है, थ्री बाई टू, तो थ्री बाई टू सामने आ गया, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर पावर वन से कम कर देंगे तो पावर क्या रह गई, वन बाय टू, अब ब्रैकेट पे क्या चीज है ये, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है जीरो हो जाएगा, इसका टू एक्स हो जाएगा। अब इस टू से इस टू को काट सकते हैं, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ कॉमन है, कॉमन पूछ रहा हूँ, आप आसान बातें बता रही, ठीक बता रही, इसमें न्यूमरेटर में कॉमन क्या क्या है वो बताओ, हाँ वन बाय टू, वन बाय टू यहाँ भी है, वन बाय टू यहाँ भी, ठीक है, तो जब हम इसको जीरो से इक्वेट करेंगे हमें यही तो करना, डीई एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, अभी हमने डीई एक्स अपॉन डी एक्स निकाल लिया, अब इसको क्या करना है, इक्वल टू जीरो, अब इक्वल टू जीरो करते ही आसान काम क्या क्या हो गया हमारा, डिनोमिनेटर से छुट्टी मिल गई, इससे छुट्टी मिल गई, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा क्योंकि पावर वन बाय टू, पावर वन बाय टू ये कॉमन था, ये भी निकल गया, सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स एक्स थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, इसे सॉल्व करो, दिस विल गिव यू द आंसर। हाँ, यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड कर दी है ए की टर्म्स, हाँ क्यों कह रही है बेटा,
इधर नीचे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर ना हो स्क्वायर क्यों एक मिनट सुनो थ्री बाई टू को हम लिख सकते हैं ना वन प्लस हाफ तो हाफ निकाला है वन तो छोड़ दिया मैम ठीक है बेटा हाँ देयरफॉर ई एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू कितना है बेटा ए बाय रूट ठीक है एंड ई एक्स मैक्स कितना है ये क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा उसमें वैल्यू डालो एक्स की वैल्यू डालो ए बाय रूट टू बिल्कुल यस अभी तो और काम करना है जल्दी करो आसान काम नहीं कर रहे बताओ कैसे बच्चे ए बाय रूट टू होल अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू तो थ्री बाय टू थ्री बाय टू ए स्क्वायर और पावर थ्री बाय टू थ्री बाय टू चलो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ थ्री बाय टू रूट थ्री बाय टू ये समझ में आते और ये ए क्यूब ऐसे समझ में आते कि डाउट इसमें ये रूट टू से कट गया ये टू पर चला गया ठीक है टू ए अपॉन थ्री रूट थ्री ए क्यूब एक ए कट गया तो आ गया टू अपॉन थ्री रूट थ्री ए स्क्वायर सिंपल सा रिजल्ट ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा होमवर्क लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक्सिस में मिलेगा एक्सिस में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा वो इतना मिलेगा ठीक है होमवर्क प्लॉट द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है एक्स ये एक्स और ये ई एक्स तो अलग अलग लोकेशन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपको जोड़ना है जीरो से स्टार्ट थोड़ी सी अब यूज कर इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम से चेंज नहीं होगा धीरे धीरे बढ़ेगा मैक्सिमम पहुंचेगा फिर कम होना शुरू होगा तो स्मूथ कर्व की फॉर्म में जाएगा ठीक है अब आपको ये भी पता है मैक्सिमम कहाँ पर है मैक्सिमम कितना है सेंटर पे जीरो है बहुत दूर जाके भी जीरो हो रहा है सब कुछ पता है अब इसको स्मूथ कर्व से ऐसे करके जोड़ना है आपको जैसा इधर होगा वैसा इधर होगा इधर भी वैसे ही होगा दोनों तरफ इस तरफ भी जा रहे हो तो इस तरफ भी जा रहे हो तो सिमेट्रिक सिचुएशन है ना सेंटर ओरिजिन है